सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज। सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताजा अपडेट का सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई आज की कुछ प्रमुख ताजा अपडेटों के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहें आप इस वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखें, सूचना अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों यहाँ पर पहली खबर दोस्तों मजदूरों एवं कर्मचारियों की मांगों के बारे में चर्चा करने के लिए और उनकी मांगों को हर एक राजनीतिक पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए भारतीय ट्रेड यूनियन यानी CITU का जो अगला सम्मेलन है वो 5 मार्च 2019 को दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें सभी संबंधित पदाधिकारियों को ये लेटर लिखा गया है 21 फरवरी 2019 को, और इसमें ये जिक्र इन्होंने किया है कि जो कर्मचारियों की डिमांड है, मजदूरों की डिमांड है, पेंशनर्स की डिमांड है, वो काफ़ी समय से लंबित हैं और सरकार ने अभी तक उस पर किसी भी तरीके का कदम नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इन्हीं सब मांगों के बारे में चर्चा करने के लिए और इन मांगों को हर एक राजनीतिक पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी 5 मार्च 2019 को दिल्ली में इकट्ठा होंगे और उसके बाद में आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। तो इस सम्मेलन में हर एक क्षेत्र से संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, जैसे कि यहाँ पर इंश्योरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, BSNL सबसे 20-20 लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। उसके बाद बैंक एम्प्लॉयज से भी 15 लोग यहाँ पर आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, और बाकी जो और भी जो क्षेत्रीय संगठन है उनके पदाधिकारी और सदस्य भी यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। तो काफ़ी उचित समय पर यह फैसला लिया गया है और उम्मीद की जा रही है सरकार पर दबाव बनेगा जिससे कि बाकी कर्मचारी संगठन है वो भी लगे हुए हैं और यहाँ पर मजदूर संघ के द्वारा भी ये कदम उठाया गया है भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की तरफ से भी, और 5 मार्च 2019 को नया यहाँ पर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है हमारे लाखों भूतपूर्व सैनिकों के लिए। इसमें रेलवे बोर्ड की तरफ से 18 फरवरी 2019 को सभी जनरल मैनेजर्स को एक लेटर लिखा गया है और इसमें अब ये स्पष्ट किया गया है। तो इस आदेश के अनुसार अब भूतपूर्व सैनिकों को AC कोच में एज ए अटेंडेंट के रूप में जॉब दी जा सकती है। तो पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने अब ये स्पष्ट कर दिया कि जहाँ पर यदि जगह खाली है अटेंडेंट की वहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति दी जा सकती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर, यदि आप भी एक भूतपूर्व सैनिक हैं और आपको अभी जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप आपके नज़दीकी जो जोनल रेलवेज हैं वहाँ पर जा सकते हैं या फिर वहाँ से जब भी विज्ञप्ति आती है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी, कुछ टर्म्स और कंडीशन यहाँ पर रहेंगी, लेकिन अब यहाँ पर यदि आप चाहें तो आपको AC कोच में एज ए अटेंडेंट के रूप में नौकरी दी जा सकती है या जो नौकरी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर। दोस्तों अगली खबर उन सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि भूमिहीन है और वो अपने ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर को नौकरी दिलवाना चाहते हैं अपनी जगह पर। तो उनके लिए रेलवे बोर्ड ने एक काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर यहाँ पर जारी किया है। ये पहला लेटर जारी किया गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 13 फरवरी 2019 को, और उससे पहले ही रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था 31 जनवरी 2019 को। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने ऐसे सभी मामलों में ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर को नौकरी के लिए कंसिडर करने से साफ मना कर दिया है। तो यदि आप भी भूमिहीन है यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है और आपका बेटा या बेटी नहीं है और आप अपने ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर को नौकरी देने या नौकरी दिलवाना चाहते हैं आपकी जगह पर, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर साफ मना कर दिया कि ऐसे नियमों में नहीं है और इसलिए ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर को जॉब के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो खबरें आपको इस वीडियो में दी गई हैं जरूर पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के में शेयर करें जिससे वो इसके बारे में जान सकें और ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हर एक नया वीडियो हम सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।